क्यों खिली खिली तुम जाने जहां कहां चली सौंदर्य साबुन निर्मा तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां चैंपियन ने लाइफ बॉय के पीछे दो बत्ती फ्री इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य रिमा सुपर सोपी मामी ने चुरू क्रीम ब्यूटी पार्लर महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया पता हूं। और बुरी नीतियों का दमन करता हूँ और वीराने को एक बार फिर से चमन करता हूँ आपसे जुड़ने का मन करता हूँ रोली करता हूँ चंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ हृदय की स्पंदन की गहराइयों से परम श्री रघुनंदन श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ और ये पढ़ाओ और आपके मोहब्बत का उतार और चढ़ाओ देख करके हम आप बहुत प्रसन्न हैं उपजा के सारे लोगों को मैं उपजाऊ कलम हमेशा रहे हमेशा सच लिखती रहे कोई ताकत कोई सरकार टक्कर ले नहीं सकती जुल्म अन्याय की दीवार टक्कर ले नहीं सकती जमाने की हकीकत रोज लिखते हैं कलम वाले कलम की धार से तलवार टक्कर ले नहीं सकती ऐसे मेरे उपजा की तमाम जाबाज बहादुर साथी बैठे हैं पत्रकार भी एक ऐसा मिसाल होता है जिसको जमाने से डर नहीं लगता और बेबाक लगता है इसलिए अमर भाई कहते हैं एक पत्रकार कहता है कि वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर काट दूंगा झुकाने से पहले अगर दर्द तेरा नहीं लिख सके तो कलम तोड़ देंगे चलाने से पहले ऐसे पत्रकारों को सम्मान देते हुए हमारे बीच में मैं तमाम साथियों को भाई हरिओम आनंद जी लगातार आनंद दे रहे हैं अगर हरिओम कह दिया तो आसाराम बापू भी दिखाई देने लगे देखिए आसाराम बापू कहते ही हरि ओम शब्द आ गया तो आसाराम बापू निश्चित दिखाई देंगे मैं आपको प्रणाम करता हूँ आसाराम भैया मैं सादर नमन करता हूँ और सुभाष मौर्या जी भी यहीं कहीं हैं आपकी तो पूरी सरकार आपके भरोसे चली गई सुभाष भैया कहाँ है अच्छा नमस्ते नमस्ते भैया अरे बीवी तो हमारी इतनी जिंदगी में बड़ी गरीबी है जिंदगी में बड़ी गरीबी है दो टीवी एक बीवी है लेकिन मेरी हर बात निराली है पास मेरे एक बीवी लेकिन 9-10 साली है मेरी हर बात निराली आप जो भी छेड़ेंगे उस पे कविता तुरंत बनाएंगे क्योंकि आज के मंच का संचालन मिथिलेश गहमरी जी कर रहे हैं ये भी जो है स्त्री और पुरुष दोनों नाम को लेकर के बैठे हुए हैं मिथिलेश हमारे गांव में लड़की का भी नाम होता है और ये बैठे हुए हैं इनको भी प्रणाम करता हूँ एक खास नाम और लेना चाहता हूँ रंजना राय दीदी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ जब भी मुझे कोई मात्र शक्ति बुलाती है मैं जरूर आता हूँ और मुझे दीदी रंजना राय जी ने बुलाया मैं उनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ अभी उनकी नई नई बहू भी आई है आप लोग एक तालियों से बहू का स्वागत कर दें और बहू के हाँ आप अभी आए हाँ हालांकि ये देखने में खुद अभी बहू हैं देखने में खुद अभी बहू हैं और बहू कह दिया दीदी कह दिया तो बहनोई साहब भी बैठे हैं समन्वय मैं आपको प्रणाम करता ही आदरणीय जब कोई परेशानी आती है या तो पिता कहते हैं या तो जीजा कहते हैं काम निकल लेते हैं इधर आसाराम भैया बैठे हैं इधर झगड़ू भैया बैठे हैं इधर अपने नरसिंह साहसी बैठे हैं ये तीनों नाम इसलिए लिया क्योंकि अब की जब 125 सीट निकाली तो यादव लोग खुश हो गए बोले हमारे नेता ने 125 सीट निकाली है बिना किसी सपोर्ट के इसलिए हम भी विजयी हैं हमने कहा आप भी बाबा के सगे हैं क्योंकि आप विपक्ष में पीछे पीछे लगे हैं पीछे पीछे लगे हैं अब की अखिलेश जी पूरे भाव से जगे हैं तो हमसे झगड़ू भैया ने कहा आसाराम भैया हमसे झगड़ू भैया ने कहा अंबर भाई चाहे जो हो जाए हम यादव लोग अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे
जैसे आप अपना स्वभाव, हम कहे हमारा स्वभाव देखे, दो लाइन में झगड़ू भैया का स्वभाव देखे, क्या कहते हैं, हमका बोलऊ ब्याह तो भाई करब, अरे कभी है कविता सुनऊ भाई करब, हम है यूपी के आदम के लड़का, दुधवा में पानी मिलऊ भाई करब, दुधवा में पानी मिलऊ भाई करब, मेहमान हमरे घरे जब आए अपने से पहले खियऊ भाई करब, क्या बात है, घर में भले स्थिति ऐसी हो जाती, कविता बनी नहीं है, बना दिया। इसलिए इसलिए यादव जी का ये धर्म होता है, हर बिरादर का धर्म होता है, अगर वो बनिया है तो थोड़ा सा टेनी मारने का उसको हक है, अगर वो ठाकुर है मूछों पे ताव देके वो आपका कालर पकड़ सकता है, उसको पूरा हक है, बुरा ना माने, खाली पूछ ले कि आप ठाकुर तो नहीं है, जब कह दे हाँ ठाकुर है, कहते अरे ठीक है, आपको शोभा देता है, हर चीज का एक शोभा होता है। अगर आप समझ लीजिए, आज यादव लोग दूध में पानी मिलाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इनको नाराज मत करिएगा, नहीं तो पानी में दूध जिस दिन मिलने लगेगा फिर आप पानी ही पानी पाएंगे, इसलिए अभी तक गनीमत है, हमारे यादव लोग जिंदाबाद हैं, अब बाबा बाबा जी भी जिंदाबाद हैं, अब कहते हैं बाबा जी से भी हमने निवेदन किया, बाबा जी से भी हमने निवेदन किया, और क्या निवेदन किया चार पंक्तियों में, कि मेरे बारे में सोचा बिचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो, खेत आकर मेरा सारा चर जाते हैं, अपने सारों को बाबा संहारा करूं, केवल निवेदन ही कर सकते हैं, बाकी तो सार तो इतने, अब की जब बाबा की सरकार बनी तो सारे सार देशभक्त हो गए, अब एक सार को हमने कहा कि लगता है अब की सार सुधर जाएंगे, एक सार रुक गया, बिगड़ गया, अब कहने लगा ये कहा किसने कि हम सुधर जाएंगे, होगा चारा जिधर हम उधर जाएंगे, अब की दुश्मनों के सभी खेत चल जाएंगे, अक्सर हदों की तरफ जब उतर जाएंगे, चाइना वाले भी हमसे डर जाएंगे, अपनी सींगों से दौड़ा के मारेंगे, जब पाक वाले भी डर डर के मर जाएंगे, और सरहदों की रक्षा के लिए उतावले हो गए। हमने कहा साड़ो घबराओ मत, बाबा साड़ बटालियन बनाने वाले हैं, और साड़ भर्ती का फार्म निकलेगा, और आप लोग भर दीजिएगा, आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़िए। एक साड़ ने कहा, हमने बाबा जी से कहा, बाबा आप गऊ को कहते हो माता, हमको भी पिता कह देते तो क्या आपका सरकार चला जाता, आप साड़ जो है इस हक की लड़ाई में है, लेकिन बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं, और दादा हमारे बीच में बैठे हैं, सुरेश दादा बैठे हैं, देश के बड़े गीतकार हैं, जब भी बड़े गीतकार को बड़े कवि को अध्यक्षता के लिए कह दिया जाता है सारे श्रोता जो है छूट जाते हैं, लेकिन हमने दीदी से कहा, सुरेश दादा को सुने बहुत साल हो गए, मैं चाह रहा था कि जब पूरी भीड़ थी तो जो है ये कविता उस समय थोड़ा सा अशांत माहौल था, ऐसे में सुरेश दादा का आना ठीक नहीं है, इसलिए हम जैसे विज्ञापनों को थोड़ी देर के लिए परोस करके अच्छा किया कि ये गीत का गीत की हत्या ना हो, और आपने अब शांति वातावरण दिया है, जो भी कभी आएगा जम जाएगा, अब मेरे बात तो जो ही आएगा उसको तो जमने जमना है,
क्योंकि हम इतना ज्यादा जमा के चले जाएंगे कि अब इसको कोई पिघला ही नहीं पाएगा। अब हमने इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं, हमारी जब हमारी शादी हुई तो हमारी पत्नी ने कहा इतना बड़ा बड़ा बाल कहे रखे है। हम कहे हम कभी ही कब सम्मेलन में जाई थे, मान लीजिए कब सम्मेलन न जमा, कम से कम इतना तो जमा रहा है भैया जितना हम जमाए हैं। तो हमारे बड़े बालों को हमारी पत्नी ने बाल झाड़ा, हमने भी खूब बढ़िया बाल झाड़ा। हमको अरे बाल देख कर कहती या तो तही रख ले या तो हम ही रख ले। हम कहे नेचुरली या तही रख ले, कहे फिर बाल कटा लीजिए। हम कहे गोरी तुम्हारे लिए बाल क्या है, पूरा गर्दन कटवा लूँ। कहें कि अभी आप बाल कटाइए, गर्दन जब वक्त आएगा मैं किसी से कटवा लूँगी। स्थिति मैं समझ गया मुझे अच्छी मिल गई। चार पंक्ति और सुन लीजिए भैया, कि दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई। नहीं नहीं अभी सुनिए मिथिले भैया, कि दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से अपने करके वो हमला चली गई। दो रोज मेरे गांव की बिजली क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। बात है इतना गर्मी लगत बा जो है भाग गई उसकी खुश नसीबी। पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए, इतनी गर्मी पड़ी भाई एकदम चित का बरा हो गए। गर्मी बहुत पड़त बा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बड़ा धूप ऊप से बचे रहिए, पना उना पीते रहिए। कह रहे बहुत बढ़िया पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ नौजवान भी हमारे बीच में हैं, कि पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। और ये इश्क है हरिमोहन भैया, आनंद भैया, ये इश्क है। कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है। आंखों से चलाती हूँ मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, देखिए बहाना कैसे बनाते हैं बूढ़े। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। जोरदार तालियां, जबकि पूरा दिखात रहा बूढ़वा के तब जाके खाक पर, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। क्या बात है। अब अपने सुरेश अकेला क्या कहते हैं, मास्टर है। मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। अच्छा है भाई, वाह। अब कैसे कहते हैं अपने मिथिलेश भैया, बीबी मेरी है कैसे कैसे पता करूं, इनके लिए तो कोई भी विजिलेंस नहीं है। इनके लिए अपित जाए अगर आशिक महबूब की गली में, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। क्या बात है। ये कविता का केवल वो है कि आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। ये सारे लोग पॉजिटिव बैठे हुए हैं, पॉजिटिव सोच वाले। कोरोना कहीं नहीं है लेकिन डर लगता है कि हो जाएगा। आपको देखकर और आपकी भाभी भी डर गई, हमारी पत्नी डर गई। मैंने उनसे कहा मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। बात है वाह। जब कोरोना हो गया तो उसके लग
लक्षण कैसे आए? क्या बात है? पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक हाट सब का ताम झाम हो गया, अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया, ये करोना मेरे चक्कर में बदनाम। जब बदनाम हो गए तो मैंने किस तरह प्यार का इजहार किया, हजी हद का मेरी दादा, थोड़ा आनंद बढ़ाएं, कैसे किया मैंने, कैसे कहा जो है, आप लोग बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, बना नहीं बना रहा हूं, तेरे खातिर ले आऊं 10 किलो दशहरी आम, मेरे लबों पे हर दम होगा गोरी तेरा नाम, मेरे महबूब तुम्हें सलाम, मेरे महबूब तुम्हें सलाम, मेरे महबूब तुम्हें सलाम, मेरे महबूब तुम्हें सलाम, तुम मुझसे जब जुदा हुई मैं हो गया झंडू बाम, देखो मुझको छोड़ के मत जाना ये सहसाराम, मेरे महबूब तुम्हें सलाम, मेरे महबूब तुम्हें सलाम। बहुत बढ़िया आपने सुना, बड़े प्यार से सुना, बहुत देर तक सुनाने का इरादा था, मगर चूंकि महफिल अब पूरा जम चुकी है, मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे लोग पढ़ें, कुछ अच्छे कवि पढ़ें, हमको भी बहुत सुनना है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे कवि हैं, कहीं किसी पर रोक जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है, कभी ऐसे भी हालात होने लगते हैं। तो अंबर भाई कहते हैं, चार पंक्तियां और सुन लीजिए, कि चेहरों पे रवानी की दुआ मांगने लगे, आंखों में भी पानी की दुआ मांगने लगे, जब मांगने का चाल चलन इस कदर बढ़ा, तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगने लगे, और जब दुआ मांग लिया क्या कहते हैं, यूं छत से न अपने इशारा करो, न तुम दूर रह कर नजारा करो, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तुमको, तो मेरी जान कहे कर पुकारा करो, अगर इश्क करना खता है यहाँ तो, अगर इश्क करना खता है यहाँ तो, ये खता मेरे संग तुम दोबारा करो। अपने अहमद आजमी साहब बैठे हैं, देश के बड़े शायर हैं, मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी महफिल में आए। और चार पंक्तियाँ बनी तो नहीं है दादा, मिसले गमरी दादा, तू एक शेर दिल इंसान है, काबिल कवि हैं, मैं तो आप लोगों को सुन करके कवि बना। वैसे हमारी पत्नी ने कहा कि आप कविता क्यों नहीं लिखती, हमने कहा देश में इतने बड़े बड़े कवि कविता लिख रहे हैं, मैं केवल उनको सुनता हूँ, उसमें से बढ़िया बढ़िया चुनता हूँ, इसके बाद जब मंच पर चढ़ता हूँ, जिस कवि का अच्छा होता है उसी का पढ़ता हूँ, जिस कवि का अच्छा होता है जोरदार तालियां उसी का पढ़ता हूँ। तो एक बार मिथिलेश गहमरी भैया ने कहा, यार हमारी भी पढ़ा करो, तो हमने कहा तो हमारा भी तो कोई स्तर है, हम हर आदमी पढ़ते रहे क्या भैया, तब उसी दिन इनको अपने स्तर का पता चला, ऐसे हालात हैं हमारे साथ। आपने बहुत बढ़िया, देखिए कभी लोग भी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सच बोलना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं आदरी रंजना जी बैठे हैं, आपके आपके पति भैया बैठे हैं, अरे ना
संजय भैया बैठे हैं, संजय राय भैया को प्रणाम करता हूँ। आते हैं संजय भैया, हमको पहचान गए, हम भी पहचान गए जरूर रंजना जी के कुछ लगते होंगे, पूरा नहीं पहचान पाए हमने सही, जब जब अच्छे अच्छे किए तो हम समझ गए कि ये उन्हीं के कुछ होंगे, नहीं तो ऐसा क्यों हमको इशारा करते। तो कैसे संजय भैया ने चार पंक्तियाँ कैसे कही रंजना जी पे? हाँ जीजा है, हमारे जीजा है, हमारे जीजा तू बचाना है तो हरव ला गए। बहुत अच्छा, न पासपोर्ट है न वीजा है, ये हम सबके जीजा हैं। न पासपोर्ट है न वीजा है, ये हम सबके जीजा हैं। प्रेम के रस में भीजा हैं, प्रेम के रस में भीजा हैं, इनको ऐसे मत समझो, ये हम लोगों के जीजा हैं। अब मैं बहुत बढ़िया है, चार पंक्तियाँ आपने ऐसी कहा जैसे संजय राय भैया कह रहे हैं रंजना जी के लिए, ताकि ये कविता की व्यंजना थोड़ा समझ में आए। कहते हैं तुम जैसा कोई साथी तकदीर से मिलता है। देखिए इसको अहमद आदमी की तरह पढ़ूंगा। तुम जैसा कोई साथी तकदीर से मिलता है, रांझे को मोहब्बत ज्यो किसी हीर से मिलता है, जुल्फों में घटाए हैं नदियों से अदाए हैं, बीबी का मेरे चेहरा कश्मीर से मिलता है। अगर किसी को अपनी बीबी अच्छी लगती है तभी सही है, वरना किसी कवि ने कहा कि कैसा अजीब शख्स है पत्नी पे मरता है उस पे ये आश्चर्य कि अपनी पे मरता है। तो ऐसे हालात हो कि ये दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहे, और ये चार पंक्तियां मुझे अहमद साहब मिथिलेश साहब आपके हवाले से कहनी है, लिखा तो नहीं लेकिन कह सकता हूँ कि ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गईं, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गईं, मुझको ऐसा लगा कि सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गईं। पायनियर अखबार के ब्यूरो, हाँ इनका तो हमारे क्लास फेलो हैं भाई राजेंद्र यादव जी, कुछ आपसे कहना चाहते हैं आप मन से पूछ लें। राजेंद्र भैया कुछ कहे चाहत हैं? अच्छा अच्छा हाँ, वहीं से विदा ले लेंगे। नहीं नहीं विदा ले लेंगे भाई, बहुत देर तक रह के जो है आदेड़ी बहुत प्रणाम करते हैं, और झगड़ू भैया को भी पढ़ना है इसलिए अब हमसे झगड़ा करने बेकारे हो गया। आकाशवाणी में है, हम खाली एक बाड़ी में है, दूठी डाड़ी में है, अब बाकी तो पूरा आकाशवाणी में है, और मान लीजिए गड़बड़ हो जाएगा तो यही बनारस में हमका ऐसा यही सताई गई है कि लोग समझ न पाई हैं कि फब्बारा है कि शिवलिंग है। हमें बिचवन नटक यार, एक तो ऐसे तो तू बड़ा बड़ा बाल बाल लोग समझ ना पाते नहीं वाला है कि वो वाला है। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ। लेकिन चार पंक्तियाँ झगड़ू भैया आपने पे तनका देखा संभाल ले थक जाए, चार पंक्तियाँ कहते अरे भैया जने चला गया कि उनके बड़का भाई है का। राजेंद्र भैया नमस्ते, अरे का करे दे थे यार हाई दे, वैसे भी कब सम्मेलन में इसका रिवाज नहीं है, लेकिन अगर कोई प्यार से दे तो हम हो के तराज नहीं है। झोटा रखे ही अनु जलोटा तो रखे रहे ना, अच्छा शंकर जी के झोटा, अच्छा यह चला ठीक बात, बहुत अच्छा भैया एक हाथ तो कटाई लिए नहीं तो 500 दो तक मिलता, जितना है उतना ही मिलत बा। नहीं नहीं ठीक बात, इतना तो हम लोग तो वैसे भी स्नेह से बहुत पाते रहते हैं, लेकिन आप लोग बीच में आ जाते हैं तो लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं कि हमें लेने देने पड़ जाते हैं। ये ऐसे मित्र हैं हमारे, ऐसे मित्र हैं हमारे कि कहते हैं दरिया की लाके उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया, पहुंचा नहीं नशा था पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया।
ऐसे हालात ऐसे कविता के प्रेमी हैं कि हम लोगों को सुनते रहते हैं। झगड़ू भैया के लिए चार पंक्तियां कैसे पढ़ा कि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। ऐसे जहरीले मिर्चे बैठे हैं, इनका भी स्वाद लीजिए बीच बीच में। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, हर विभाग में रोमियो है। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं ईंटा चुराऊं, मैं सरिया चुराऊं, मैं सीमेंट चुराऊं, मैं बालू चुराऊं, मैं पानी चुराऊं, मैं बिजली चुराऊं, मैं कटिया फंसा करके हीटर जलाऊं, क्योंकि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं गेहूं चुराऊं, मैं चावल चुराऊं, मैं राशन चुराऊं, मैं गल्ला चुराऊं, जो आ जाए दुकान पे तो डांट के भगाऊं, क्योंकि कोटेदार है नाम मेरा, चोरी है। पुलिस वालों ने कहा भैया हमारी तरफ न चले आना, इधर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। हमने कहा भैया आपकी तरफ हो सब नहीं आएंगे, चिंता मत करिए। हाँ हाँ हाँ, अब चार पंक्तियाँ और सुन लीजिए, थोड़ा थोड़ा है, कुछ कुछ नया जब बन जाता है तो सुनाने का मन करता है, इसलिए जो है हाँ शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके कुछ नया लिखे जाते तो मन करता है कि सुना दें, क्योंकि एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, माँ से बढ़कर जहाँ में भला कौन है, दूसरे लोग तो तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है। और ये पिता पिता क्या होता है, बेटे और बेटियों की जिंदगी बनाने वाला घर परिवार का गुमान पिता होता है, एक एक दाना चुन चुन कर लाने वाला मेहनत कश वो किसान पिता होता है, और सपनों को पंख दे के ऊपर उठाने वाला ऊंचा ऊंचा एक आसमान पिता होता है। और दुनिया में नाते रिश्ते कहने को हैं बहुत, किंतु माँ के बाद सबसे महान पिता होता है। ऐसे मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं जो अपनी पत्रकारिता से लोगों को आगाह करते रहते हैं खतरों से और समाज को जागरूक बनाते हैं, ऐसी मिसाल लिए यहाँ लोग बैठे हैं। किसी के दिल में कोई बढ़ता रहा, कोई बढ़ता रहा मन में दंगा लिए, कोई बढ़ता रहा मन में गंगा लिए, है नमन उन शहीदों के बलिदान को जो आगे बढ़ता रहा है तिरंगा लिए, जो आगे बढ़ता रहा है तिरंगा लिए, न सोना न चांदी न रतन लेके लौटा, न खुशियों का कोई चमन लेके लौटा, वतन के लिए जो गया सरहदों पर वो तिरंगे का केवल कफन लेके लौटा। ऐसे शहीदों को नमन करते हुए अमर भाई काव्य की आखिरी आखिरी वक्त में है, और आपका बहुत प्यार बहुत दुलार मिल रहा है। ऐसे तो ट्रेन में बहुत सफर करते हैं, हमारा तो वैसे भी भाड़ा नहीं लगता है, और जब भाग चीठी आता है टिकट मांगने, उससे कहते हैं कि सर हम लोगों से भी लेते हैं क्या, तो कहता अच्छा अच्छा आप ये वाले हो, पहचान नहीं पाया। हम कहे कैसे पहचान नहीं पाया, आप लोग पहले थे क्या? तो चकमका जाता है, भागता है, कहता और साथी कहाँ हैं? हम कहे साहब सब एक ही डिब्बा मांगेंगे, सब अलग अलग हैं, अभी मिलेंगे, आगे चलते रहिए। और हम और फजीहत का मेरे भाई थे बम्बई जा रहे थे, हम कहे फजीहत भैया तुम्हें टिकट ना लिए, हम ना लिए, आवा ऊपर बैठा जाए। ऊपर बैठ गए, नीचे दो सुंदर औरतें आईं, एक की उम्र 40 वर्ष, एक उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष ने 40 उम्र वाली से कहा दीदी आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा कोई ज्यादा नहीं है, यही कोई 28-29 साल। तो 40 वर्ष वाली ने कहा 30 वर्ष वाली से दी बहन जी आपकी कितनी है? बोली बहुत ज्यादा नहीं, कोई 16-17 साल। तो इतने में हम झांक रहे तो गिर गए गोद में उनके। तो वो बोली ये कौन है? फजीहत भाई कहे ये अभी अभी पैदा हो रहा है, इसे आप नेपुल से दूध पिलाइए, नहीं तो ये भूखमरी का शिकार हो जाएगा और यही मर जाएगा, अब पूरा इल्जाम आपके सर जाएगा। अब हम बैठ गए, बोले टीटी आएगा तो आपको पकड़ लेगा। हम कहे बहन जी नुस्खा जोरदार लेके चले हैं, फजीहत गहमरी को बचा लेंगे, हम खुद भी बच जाएंगे। टीटी सामने दिखाई दिया, मैं पूरी बेंच पे
पूरा बाल उल छितरा के दुपट्टा खोल के पेटकुइयां उल्टा लेट गया। मुझे देखकर टीटी मंत्रमुग्ध हो गया, मगन हो गया। बोला, बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से चली आ रही है, टिकट ली होगी तभी टांग खैया सो रही है। 5 मिनट बाद हमने कहा, फजीहत भाई टीटी गया। बोला, कहा टीटी खुद बोला, कहे कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे तो हमको देखा, बोला, अरे यार लड़के हो क्या? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा आपके प्रति करूँगा, पर इतना थोड़ो कर पाएंगे जितना आप सोच विचार के यहाँ बैठे हो। हमारी भी कोई सीमा है, तुम्हारे नाम कोई मोहब्बत की जीवन बीमा है। आगे बढ़े टीटी बैच बन के आई, आगे बढ़े टीटी बैच बन के आई, जीआरपी पुलिस लाई। जैसे ही टीटी 2 कदम पे बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा, जीजा पड़ा। बोला, जीजा? हमने कहा, न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोला, ओहो आपका तो काम हो गया। हम कहे, जान सर दोनों को आराम हो गया। आगे बढ़े, कोई घटना नहीं घटी, 12 हिजड़े एक साथ चढ़े, सबसे जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा नाचते कूदते मेरे पास आया, बोला, निकालो निकालो निकालो। हमने कहा, हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। हजीहत भाई कहे, हमारा क्या होगा अंबर भाई? हम कहे कि बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा। तो सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा, इतनी गर्ज पड़ी है, खरीद के देते क्यों नहीं? तुरंत रही कोई ऐसा ग्लूकांडी जैसा। हम कहे, आम आदमी कहाँ पाए इतना पैसा, प्रचार इतना बढ़िया बढ़िया हो रहा है, लोग खरीदना चाहते हैं। सफेद ही की नई चमका रिन, कपड़े नहीं धोऊंगा तेरे बिन, मैं और मेरा लक्ष। हम कहे, श्रीदेवी मर गई, बंद कर दे बक्स। यूं खिली खिली तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय, कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य रिमा सुपर सोपिमामी ने चुरु क्रीम ब्यूटी पार्लर महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। तांबर भाई क्या कहते हैं, धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए, धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए, मोदी योगी दोनों परानी, रबड़ी काटे दोना में, ठोकर ठोकर खटिया टूट गए, खटमल दास बिछौना में, साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए। लड़की जियो कसम ले करके घूम रही है बागी में, बहुआ बेटवा अलगे हुई के रोटी सेकें आगी में, माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए, धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए, धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए। जेतो से कुछ जबरा होए, जेतो से कुछ तगड़ा होए, ओसे कभी भिड़े ना साथी, जे रंग से चित कबरा होए, ओसे सीधे साधे बोले जिन बोले तैयार पाए, धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए, आनर पीसे कुक्कुर खाए। कहते हैं मिथिलेश गहमरी अंबर जैसा कौन यहा, कहते आसाराम की भैया अंबर जैसा कौन यहा, कहते हरियो में आनंद जी अंबर जैसा कौन यहा, कहते सुभाष भाई अपने अंबर जैसा कौन यहा, कहते ओपी भैया अपने अंबर जैसा कौन यहा, कहता पूरा पत्र सा पत्रकार संघ अंबर जैसा कौन यहा, कहते मेरे कवि ओ शायर अंबर जैसा कौन यहा, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मोहन यहाँ, बड़े गजब के कवि है हम यह बोली निकरे ताए ताए, धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए, बड़े गजब के मिले सुरोता हम है चिरैया पहखोता, कवि सम्मेलन सफल हो गया चलो लगा ले इसमें गोता, मेरी कविता खत्म हो गई, अरे अब सब अपने घर को जाए, धुक्कुर धाय।